पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में 5 दिवसीय योग शिविर के 5वें दिन हम सब बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़नी प्रखंड स्थित लालगंज गांव के प्राचीन मंदिर और विराट पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके आज हम सभी आरोग्य यज्ञ हवन यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी भाई बहनों का, ग्रामवासियों का, मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। वही हम सभी अग्निहोत्र विधि से आचमन करेंगे। अब जब मैं एक मंत्र बोलूंगा तब इसको पी जाते हैं, कंठ तक लाते हैं। वही ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यमयसा श्रीर्मयि श्रीश्रयताम् स्वाहा। आप थोड़ा सा पीछे हाथ करके ऐसे रगड़ लेते हैं तो शुद्ध हो गए। नहीं, ये मन से भी शुद्ध कर सकते हैं, जैसे मन कभी शुद्ध हो जाए तो माफी क्षमा मांग के शुद्ध कर लिया, वैसे मन से किया तो मन से शुद्ध कर लिया। अब अंग स्पर्श करेंगे, अंग स्पर्श मंत्र से अब बाएं हथेली में जल ले लेते हैं, यहाँ ऐसे दाहिने हाथ का अंगूठा कनिष्ठा और ये तर्जनी तीनों ऐसे मोड़ लेते हैं। अब ये दो अंगुली आपका मध्यमा और अनामिका बाएं हाथ के हथेली पे से छुएंगे, जब मैं बोलूंगा तो उस अंग को छू करके और आपको छूते हुए ऐसा एक जैसे करंट प्रवाहित होता है, जैसे बिजली के बल्ब को ऑन करते हैं तो बिना देर किए वो जल जाता है और ऑफ करते हैं तो बिना देर किए वो बुझ जाता है, एकदम बगैर सेकंड लगाए हुए। तो वैसे ही जब अंग का नाम लेंगे, छुएंगे तो आपको लगे कि मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है कि मैं बिल्कुल पवित्र हो गया, मेरे सारे इंद्रियां और सारे अंग आरोग्य को प्राप्त हो गए, निरोग हो गए और उसके भीतर के सारे विकार भस्मीभूत हो गए। तो आइए अंग स्पर्श मंत्र से वांग में आए के पहली तरफ परमात्मा, ये जो मेरा मुख मंडल है, ये जो मेरा मुख है, ये हमेशा निरोग रहे, इसके अंदर कभी टॉन्सिलाइटिस ना हो, इसके अंदर कभी थायराइड ना हो, इसके अंदर कभी मसूड़े से कोई खून ना निकले, मसूड़ा कभी दर्द ना करे, दांतों में कभी दर्द ना हो, जीवा में कोई समस्या ना हो, ऊंट पे कोई समस्या ना हो, और मैं जब इससे कोई शब्द निकालूं तो यह शब्द किसी को हतोत्साहित ना करे, यह शब्द किसी को यानी उसके जीवन में जो कल्याण है उसको बाधित ना करे, और यह शब्द इतना सुंदर हो, सौम्य हो, एक दूसरे के कष्ट को हरने वाला हो। होता है कि नहीं ऐसा? अरे भाई इतना अच्छा बोलता है कि लगता है कि सारा दुख दर्द खत्म हो गया, उसकी वाणी भी इतना ओझ तेज है। तो ये ओझ तेज हमारे आपके अंदर भी है, बस आपको इसको निकालने की आवश्यकता है। ऐसा संकल्प लेकर के ओम नसुर में प्राणो वस्तु, नासिका के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, हे परमात्मा ये जो इड़ा पिंगला यानी बाया स्वर दाहिना स्वर है, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर है, इसके माध्यम से सांस प्रश्वास की क्रिया हमेशा चलती रहे और हम सब कभी भी नाक के द्वारा जो सूंघने की ताकत है वो कभी खत्म ना हो और निरंतर निर्वाध रूप से आजीवन सांस प्रश्वास की क्रिया चलती रहे और नासिका में किसी को साइनस ना हो, नाक में किसी प्रकार का कोई घाव ना हो, नाक में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, यानी आरोग्य का संकल्प लेते हुए पीड़ा पिंगला के माध्यम से श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को करते हुए सुषुम्ना नाड़ी को यानी अष्ट चक्रों के जागरण की दिशा में हम सब धीरे धीरे आगे बढ़े, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ओम अक्षोरण में चक्षुरस्तु, आंख के दाएं तरफ और आंख के बाएं तरफ, हे परमात्मा अब ये आंखों के अंदर किसी को मोतियाबिंद ना हो, आंखों पे कभी चश्मा ना चढ़े, आंखों में रोशनी हमेशा बना रहे और जब भी आंख से किसी को देखे तो हमेशा शुद्ध सात्विक और आध्यात्मिक रूप से हम उसको देख सके। यदि कोई गंदा चीज भी दिखाई पड़े आंखों से तो हम में इतनी ताकत है कि उसको हम राम बना सकते हैं, कृष्ण बना सकते हैं। जब
उठा करके जब गोबर को गणेश बना सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत है, जब पत्थर को हम राम कृष्ण बना सकते हैं, तो आंखों से किसी माँ बहन को देखकर के अपनी माँ बहन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बोले अब आपके अंदर बताइए कितनी ताकत आपके अंदर है, बस गोबर को उठाया और क्या बना दिया, गणेश जी भाव आ गया उसके अंदर। अब पत्थर उठाया जो ठोकर लग रहा था, मंदिर के अंदर रख दिया, तो क्या हो गया, शंकर जी हो गए, राम कृष्ण हो गए, जो जिसको बनाना बना लिया। अब भावनात्मक रूप से जब इतनी ताकत हमारे अंदर है, तो भावनात्मक रूप से हम कभी भी असत्य नहीं, कभी भी सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत और विराटता है। तो आइए, ओम कर्णयोर में स्रोतम अस्तु। अब कान के दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ, हे परमात्मा, कान से जो सुनने की जो ताकत है ना, इससे हमेशा कोई बहरा ना हो, हमारे पर्दा में कभी चोट ना लगे, पर्दा में कभी छेद ना हो, कान से कभी कोई मवाद ना निकले, और हमारा कान कभी गाली भी सुन रहा है तो आपको लगे कि वो भजन कर रहा है। नहीं, अब किसी किसी के अंदर नहीं बीमारी होती है, अब राम राम चल रहा है तो वो बोलेगा ना गाली दे रहा है। अब मेरे बारे में ना, ऐसे मेरे बारे में मान लीजिए कि कोई अच्छा चीज भी बोले तो अब उसको लगता है ना कि मेरे बारे में शिकायत कर रहा है, घूम जाएंगे। लेकिन हम सबको ऐसा भाव रखना चाहिए कि किसी के बारे में कोई गलत फहमी ना हो, भ्रम ना हो, गफलत ना हो, संशय ना हो, दुविधा ना हो। अब जिस दिन कोई भ्रम, संशय, गफलत से ऊपर उठ गया तो वह अर्जुन हो जाएगा। क्या होगा? और कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन जैसा आदमी ना चाहिए। अब अर्जुन बने नहीं, अब कृष्ण को समझते हैं। बताइए पिताजी, है कि नहीं बात? अब यदि मान लीजिए आपके बारे में समझना हो तो हमारे अंदर पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। मैं यदि उसके योग्य रहूंगा तभी तो मैं उसको समझ पाऊंगा। अब हम लोग अपने को योग्य बनाते नहीं है, अयोग्य आदमी योग्य आदमी के बारे में क्या चर्चा कर सकता है? तो आजकल हम लोग अपनी योग्यता को और बढ़ाएं और तभी जाकर के किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करें, कहें, तब जाकर के ये शुद्ध होगा। तो आइए आज से हम लोग संकल्प लेते हैं, ओम बायोर में बलम अस्तु, कंधा के दाईं तरफ और फिर कंधा के बाईं तरफ। हे परमात्मा, बाजुओं में कभी दर्द ना हो, ये हाथ कभी उठे तो किसी की हत्या करने के लिए नहीं, किसी का संहार करने के लिए नहीं, बल्कि यह हाथ जब उठे तो रचनात्मक कार्य के लिए या किसी की सेवा के लिए उठे, किसी के परोपकार के लिए उठे। भगवान ने हाथ इसलिए दिया है। आप एक हाथ से चोट मार करके देखिए और एक हाथ से किसी को मरहम लगा के देखिए, दोनों में कितना फर्क है कि नहीं? एक आदमी कबूतर को जान मारे, तीर मारे, और दूसरा आदमी कबूतर को उठा करके और सहलाए, दोनों में बहुत आनंद का फर्क है। तो ऐसे हमारे अंदर हाथों में शक्ति भगवान ने दिया है कि हम हाथ को किस रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओम उर्वर में ओजमस्तु, ये घुटना के दाएं तरफ, घुटना के बाएं तरफ। हे परमात्मा, घुटना में कभी दर्द ना हो, कमर में कभी दर्द ना हो, मुझे कभी गठिया, कभी चाटिका ना हो, कभी एड़ी में और कभी तलवे में जलन और दर्द ना हो। यानी हर क्षण हम लोग आरोग्य को प्राप्त करते रहे हैं, हमारा जीवन निरोगी रहे। जिस व्यक्ति का जीवन निरोगी है वही व्यक्ति पूरे जीवन का आनंद ले सकता है, और जो व्यक्ति रोगी है वो जीवन के किसी भी पहलू पर आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। ओम अरिष्टानी मेंगानी तन्नो तंत्वा में सहसंतु, शरीर के चारों तरफ छिड़क लेते हैं। तो हे परमात्मा, मैं जिन अंगों का नाम लिया वो भी शुद्ध रहे, आरोग्य रहे, और जिन अंगों का नाम नहीं लिया और हमारे शरीर के अंदर वो अंग विराजमान है, तो उनके लिए भी हमने ये प्रार्थना किया परमात्मा से कि हे परमात्मा, शरीर के सारी कोशिकाएं, सारे ऊतक, सारे अंग निरोग रहे और अपने मूल प्रकृति में आकर के, मूल स्वरूप में स्थापित होकर के अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कार्मिक रूप से स्वस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे। जब सामाजिक रूप से हम उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं जीवन का, तो उसमें भी कभी छीणता ना आए, यानी संकीर्णता से विराटता की तरफ जीने का संकल्प।